अगर आप फ्रूट्स खा खा के बोर हो गए हैं तो चलिए आज हम फ्रूट से एक नया रेसिपी बनाते हैं, जिसको आप लंच में भी खा सकते हैं, सिर्फ इसको भी खा सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट्स रायता। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम एक छन्नी लेंगे और उसमें अपना कर्ड को डाल के उसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहता है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि रायते के लिए हमें जो है ठीक कर्ड चाहिए। इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है हम इस तरह से इसको छन्नी में डाल के निकाल लेंगे। अभी ऐसे ही इसको हम थोड़ी देर रखेंगे 5 मिनट्स, तो इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अपने आप ही निकल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर था वो निकल चुका है। अभी हम अपने कर्ड को दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अभी हम सबसे पहले अपने कर्ड को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें क्रीमीनेस अच्छे से आ जाए। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर रायते के लिए आपने जो भी कर्ड लिया है वो अगर खट्टा है तो आप उसमें 1 कप मिल्क ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रायते के लिए जो भी कर्ड हम लेंगे वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक एक करके हम इसमें अपने फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। बनाना 15 to 20 ग्रीन ग्रेप्स है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, 15 to 20 ब्लैक ग्रेप्स इसको भी मैंने बारीक कट, 1 स्लाइस पपाया, यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून भुना जीरा लिया है, इसको मैं साबुत ही डालूंगी। पाउडर करके डालने से जो हमारा कर्ड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं इसको साबुत ही डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून शुगर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट। अभी हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे कि जो भी फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे वो बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, ऊपर से मैं इसमें थोड़े से और ब्लैक ग्रेप्स डाल दूंगी। पोमोग्रेनेट से हम गार्निश कर लेंगे। थोड़े से फ्रेश मिंट लीफ डाल दूंगी मैं ऊपर से। तो अभी हमारा हेल्दी खट्टी मीठी मिक्स्ड फ्रूट्स रायता रेडी है।